नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। राजनीतिक वनवास का दंश झेल रहे आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू के नेता लगातार हमलावर बने हुए हैं। पिछले दिनों बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने यहां तक कह दिया था कि आरसीपी सिंह की हैसियत 5000 की भीड़ जुटाने के लायक भी नहीं है। अशोक चौधरी के इस बयान पर चिराग पासवान ने कहा है कि जेडीयू को खड़ा करने में आरसीपी सिंह की जो भूमिका रही है उसे कोई नकार नहीं सकता है। चिराग ने कहा कि यह जेडीयू का अंदरूनी मामला है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि आरसीपी सिंह की दमदार शख्सियत रही है, बेबाकी से अपनी बातों को रखने का आरसीपी सिंह का अंदाज रहा है। जेडीयू को खड़ा करने में उनकी भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरह से आरसीपी सिंह ने संगठन पर काम किया उसके लिए वे श्रेय पाने के हकदार हैं। लेकिन जेडीयू में आरसीपी सिंह को लेकर जो बयानबाजी चल रही है वह दुखद है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार जनता दल यूनाइटेड में तीखे हमले झेल रहे हैं। आरसीपी सिंह पर मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि आरसीपी सिंह की हैसियत 5000 की भीड़ जुटाने की भी नहीं है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा था कि आरसीपी सिंह को अब तक जो भी मिला वह नीतीश कुमार की कृपा से मिला है। नीतीश कुमार जिसके सर पर हाथ रखते हैं वह पार्टी में फलता और फूलता है, और जिसके सिर से हाथ हटा लेते हैं वह जमीन पर आ जाता है। आगे आप खुद सुनिए कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। देखिए, मैं पूरी तरीके से ये इंटरनल मैटर है जनता दल यूनाइटेड का, और मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा या किसी भी और राजनीतिक दल का हस्तक्षेप करना बनता है। कौन किसको दल में रखना चाहता है, कौन नहीं रखना चाहता है, कौन रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता है, ये उस पॉलिटिकल पार्टी का कम्प्लीटली इंटरनल मैटर है। हैविंग सेड दैट, मैं ज़रूर बोलूँगा कि यकीनन आरसीपी जी का अपना एक व्यक्तित्व रहा है, दमदार शख्सियत उनकी रही है, बेबाकी से अपनी बातों को रखने का उनका अंदाज रहा है, और जनता दल यूनाइटेड को खड़ा करने में उनकी भूमिका को मुझे नहीं लगता कि कोई भी नकार सकता है। जिस तरीके से संगठन पर उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत की, यकीनन उस श्रेय के वो ज़रूर हकदार हैं। पर अभी इनके बीच में इंटरनल क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी जी को लेकर, जो बयानबाजी चल रही है, दुखद है, बट इंटरनल मैटर है पार्टी का। भाई, मेरी समझ के परे किसके शिकार हो रहे हैं, ये जदयू के नेता ही बेहतर बता पाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।